हेलो बच्चों, कैसे आप सब? केम छो सर? हम बहुत बढ़िया हैं, मजे में हैं। आप कैसे हो सर? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, चलिए ठीक है, बढ़ाते हैं अपना अगला कदम अपने अगले लक्ष्य की तरफ, जिसका नाम है बिजनेस स्टडी द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर है। राइट, और मैं हूँ आपका दोस्त, इस बुक का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, प्यारा प्यारा होस्ट अंकुर अग्रवाल, ठीक है। तो फिर मैं ये मानता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बहुत सारे केस स्टडीज आपने करी होंगी जो मैंने आपको दी हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इस सोल्जर की तरह, अर्जुन की तरह, जिसका लक्ष्य है सिर्फ चिड़िया की आँख, उसकी तरफ अगर बढ़ते हैं, ठीक है ना। राइट, तो देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था जो हमें ले जा रहा है इस टारगेट की तरफ, आंसर ऑफ 100 out of 100। राइट, तो मैंने एक वीडियो भी डाली है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो फैसला आपने लिया है, जो आप फैसला ले चुके हो, उस फैसले पर खरा उतरना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उस पर खरे उतरने का टाइम है ना, दुनिया से नजरें मिलाने का टाइम, आंख से आंख मिलाकर जवाब देने का टाइम आ चुका है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, राइट, तो मैं करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप जरूर देखें, ठीक है। इसका टाइटल ही आपका डिसीजन था, अब इसे साबित करने का वक्त आ चुका है। राइट, इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, ये वाले 62, 49, 63, 70, 65 कुछ क्वेश्चन हमने करे भी थे, और ये आपने मुझे लगता है करे भी होंगे, ठीक है ना। टोनी स्टार्क की यादों में, ठीक है, टोनी स्टार्क के लिए गाना गाते हैं, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है। राइट, ठीक है, एक पुराना गाना भी, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, ठीक है। तो चलिए इसी धुंधली यादों में, ठीक है, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। राइट, तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो क्या कवर किया था, फिक्स कैपिटल, ठीक है ना। आज हमें क्या कवर करना है, वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, हमें ये टॉपिक आज कवर करना है। राइट, तो वर्किंग कैपिटल अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल क्या होती है, क्योंकि अकाउंट्स में भी आपने वर्किंग कैपिटल का रेशियो वाले चैप्टर में कुछ बातें पढ़ी हैं, ठीक है ना। राइट, तो बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब नाम से पता लग रहा है, वर्किंग और कैपिटल, यानी एक ऐसा पैसा, एक ऐसी जमा पूंजी या एक ऐसा पैसा, कैपिटल मतलब पैसे है ना, जो आपके वर्किंग के काम आता है, जो आपके वर्किंग के काम आए, यानी ऐसा पैसा जो है ना, हिंदी में लिखवा देता हूं, आपके बिजनेस की डेली वर्किंग के काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली वर्किंग के काम आएगा, एक ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस की डेली वर्किंग के काम आए, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। राइट, बात जा रही है, घुटनों तक नहीं जा रही, पहुंच चुकी होगी, यानी कि जो पैसे आप डेली यूज में लाए अपने बिजनेस के लिए, राइट, वो हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल का रेशियो देखो, यही होता है लिखा है, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कुछ बच्चे शॉर्ट में बोलते हैं CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर आप रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं कि सर वर्किंग कैपिटल हमारी होती है नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी, ये भी ये बात आप सुनिए। लेकिन अगर कोई आपसे बोले भैया नेट वर्किंग कैपिटल तो ये है, मुझे बता दो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ग्रॉस, तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक है, राइट, तो आप क्या जवाब देंगे, पहले तो आप उससे यही बोलेंगे कि जो पूछना है पूछ लो भैया, पूछो मुझे क्या हुआ है। राइट,
तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपकी होती है सिर्फ करंट असेट्स, करंट असेट्स ही आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है ना। आइए बात समझ में आई होगी आपको, राइट। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट असेट, नेट वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी आपको पता ही है, करंट असेट्स भी आपको पता ही है, फिर भी यहां लिख रखा है अकाउंट्स में आपने पढ़ा है। करंट असेट का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक, राइट, जिसको हम बोलते हैं गुड्स इन्वेंट्री, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट असेट्स होते हैं सर। ये हमने अकाउंट से बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मुझे अपने बिजनेस के लिए लिक्विडिटी यानी कि जल्दी पैसा प्रोवाइड करता है, स्टॉक बचूंगा पैसा आएगा, ठीक है ना, राइट, क्विक कैश प्रोवाइड करता है, क्विक कैश, ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो करंट लायबिलिटी में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में ऐसी जाती है बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, इस तरीके से करंट लायबिलिटी आती है, ठीक है। तो ये सारी बातें वही है जो आप कहां पढ़ चुके हैं, ये आप हम पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में भी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब जो मुद्दे की बात है जो हमारे चैप्टर के लिए, वो ये है कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे, ठीक है ना, क्या बताती हैं कि वर्किंग कैपिटल मुझे कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल किसकी तरह, ये जैसे हमने पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे ही जैसे हमने पिछले वाला टॉपिक पढ़ा था, बिल्कुल उसकी तरह ही, ये क्या है, सेम टू सेम उसकी तरह ही है, हाँ सेम टू सेम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ 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 सेम टू सेम, ठीक है, समझ गया मैं। तो भाई वर्किंग कैपिटल पढ़ते हैं, बस जैसे पिछले क्लास हमने टेबल बनाई थी कि हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आज भी हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें पता लगेगा हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पेज पर बना रहा हूँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बनाएंगे इस साइड वाला पेज पे, मैं बनाऊंगा, ठीक है, इस वाले पेज पर, राइट। चलो इस तरफ बनाते हैं भाइयों और बहनों, वर्किंग कैपिटल अज्यूम कर रहे हैं हमें यहाँ पे ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड मोर, ठीक है ना, मोर लिख देते हैं, चलो, और यह अज्यूम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस, लेस वर्किंग कैपिटल यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है, कहीं ज्यादा चाहिए और कहीं कम, ठीक है। जैसे कभी खुशी कभी गम ना, कभी खुशी कभी गम, ऐसे ही हाय और लो। तो सबसे पहली बात, ठीक है, मैं पॉइंट लिखते जाऊंगा आपको दिखा दूंगा, जैसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, इस तरीके से ही बहुत सारे पॉइंट है। तो हम मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप साथ साथ अपनी बुक से पढ़ते जाएंगे, ठीक है, राइट। तो उम्मीद है आप सबके पास ये बुक पहुंच चुकी होगी, अगर बुक नहीं पहुंची है तो कृपया करके आप इसे अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं और मेरे थ्रू भी मंगा सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है ना। अमेजोन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस बुक का, पहली वाली बुक का भी आप मंगा सकते हैं, इस बुक का भी डिस्क्रिप्शन अमेजोन पर दिया गया है, राइट, डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक दिया है, तो आप देख लें। अब आती है बात, ठीक है, जिनके पास पहुंच चुकी है, सर हमारे पास तो पहले से पहुंच चुकी है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, इससे कुछ की बात क्या होगी। तो सबसे पहला, राइट, क्राइटेरिया हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल में, पहला नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, राइट, वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है, तेरी मेरी कहानी, तो ये कहानी वही जो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग है या फिर नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, याद आ रहा कुछ धुंधला सा, तो देखो क्या लिखेंगे, राइट, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग है तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, लो, और नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, ओहो चलो ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं सर,
बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। धर्म कैपिटल मुझे ट्रेडिंग बिजनेस में लो चाहिए, यहाँ पे काट लगे। मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए, लेस वाली कैटेगरी में हम काट लगाएंगे। ठीक है, समझा ये बात? राइट, सिंपल सा टॉपिक है तो बहुत सिंपल। दूसरा पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये बात हमने फिक्स कैपिटल वाले में पढ़ी थी। स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी आपका बिजनेस का फैलाव, ठीक है ना, राइट, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, राइट। तो यानी कि आपका बिजनेस ऑपरेशन बहुत बड़ा है, कई सारी जगह पे आपने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है। तो भैया देखो, ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन, ज्यादा बड़ा बिजनेस, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। यानी वर्किंग कैपिटल अगर समझना है ना, तो अपने बिल्कुल अपने घुटनों को ये बात समझाओ, वर्किंग कैपिटल मतलब, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेंट्री या स्टॉक बेचने के लिए। अगर आपका स्केल ऑफ बिजनेस ज्यादा है तो आपको इन्वेंट्री स्टॉक भी ज्यादा चाहिएगा, कैश भी ज्यादा चाहिएगा। तो वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए, दो नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्केल ऑफ बिजनेस हाई, आपका ज्यादा फैला हुआ बिजनेस है। बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे तो आंसर उल्टा होगा, स्केल ऑफ बिजनेस बहुत छोटा है तो यहाँ काटा लगाऊंगा, यहाँ राइट लगाऊंगा, ठीक है। तीसरी बात, फिर आता है आपका तीसरा टॉपिक, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल, ठीक है, राइट। अब अगर बात करें बिजनेस साइकिल, यानी कि जब मेरा बिजनेस साइकिल बहुत अच्छे पीरियड में होता है, जैसे कि पता ना, जैसे आजकल जीडीपी डाउन चल रही है, कभी जीडीपी बढ़ेगी, किसी किसी बिजनेस का साइकिल बहुत एकदम से अच्छे से हो जाता है, किसी किसी बिजनेस को एकदम से बहुत अच्छी सेल मिलने लगती है, तो अगर उसे बोलते हैं बूम पीरियड, ठीक है ना, राइट, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला पीरियड। जब कोई बिजनेस साइकिल आपका हाई है, तो मैं ज़ूम कर रहा हूँ, बूम पीरियड पे चल रहा है, आपका बिजनेस साइकिल हाई चल रहा है, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से बिजनेस चल रहा है आपका, राइट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई स्कूल की अगर बात करें, जब आप फीस देते हो, ठीक है ना, तो जिस महीने में आप फीस देते हो, आपके स्कूल में हाफ ईयरली या क्वार्टरली फीस जाए, तो जिस क्वार्टर में आपकी फीस जाती है उस टाइम पे बिजनेस साइकिल स्कूल का हाई रहता है, यानी कि उसको ज्यादा कलेक्शन होता है। तो बिजनेस साइकिल अगर आपका हाई है तो आपकी सेल ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, समझ लो बात। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में लोग गोलगप्पे बहुत खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, तो उस टाइम पे बिजनेस साइकिल क्या रहता है, हाई रहता है। तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, रिवर्स कर दें, बिजनेस साइकिल आपका अगर लो साइकिल पीरियड पे चल रहा है तो यहाँ काटा लगेगा और यहाँ नाइकी की तरह राइट का निशान लगेगा, ठीक है। वो बात बिल्कुल घुटने तक पहुंच रही होगी। फिर चौथा पॉइंट, सीजनल फैक्टर, ये तो बहुत ही मजेदार बात है, सीजनल फैक्टर। अब देखो, अगर आपका सीजन की बात चल रही है, आपका बिजनेस ऐसा तो सीजन पे डिपेंड है, बिजनेस साइकिल पे नहीं, बिजनेस साइकिल तो आपका बढ़िया चल ही रहा है, ठीक है, सीजन पे डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल अगर बात करें तो सर्दी पड़ रही है, ठीक है ना, ठंड बहुत है, ठीक है, तो भाई सर्दी के मौसम में बताओ कौन सा सीजन, कहां पे सीजन बढ़िया चलता है। तो सर्दी के मौसम में स्वेटर और जैकेट है ना, तो अगर आपका जैकेट या गर्म कपड़े बनाने का बिजनेस है तो भैया आपकी वो जैकेट सर्दियों में ही बिकेगी, कैप मफलर सर्दियों में बिकते हैं। ऐसी सर्दियों में अगर आप गोवा घूमने जाएंगे दिसंबर जनवरी में, तो गोवा में वो उनका सीजन चल रहा होता है, क्योंकि लोग यहाँ से गोवा घूमने जाते हैं तो वहां पे एक अच्छा मौसम होता है घूमने के लिए, है कि नहीं बात। तो गोवा घूमने जाएंगे, राइट, तो मजा आएगा आपको, ठीक है, आराम से बीच पे जाए, राइट, तो वहां पे इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन अगर आप जून में जाएंगे, तो भैया जून में अगर गोवा घूमने जाओगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आओगे एकदम जलते हुए, ठीक है, इतनी गर्मी होती है जून जुलाई में, इसलिए वहां पर जून जुलाई में गोवा में क्या होता है, ऑफ सीजन होता है। सिमिलरली पहाड़ों पे है ना, अगर आप नॉर्थ साइड में है, साउथ साइड में नहीं है, तो आप समझ जाएंगे, जैसे इस टाइम पे अगर आप कहीं घूमने जाओगे हिली एरिया में, ठीक है, नैनीताल चले गए, मसूरी चले गए, राइट, शिमला वगैरह कहीं भी अगर आप घूमने जाओगे, मनाली वगैरह, तो वहां पे आपको होटल सस्ते मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों में लोग कम घूमने जाते हैं। लेकिन अगर आप जून में जाओगे, जून की छुट्टियों में, मई जून में, तो भैया वहां पे होटल्स वगैरह क्या होंगे इस टाइम पे, वो उस टाइम पे होटल्स वगैरह वहां पे महंगे मिलेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, क्या कि नहीं बात, राइट। तो वो सीजन डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई अगर आपका सीजन फैक्टर, यानी आपका सीजन, यानी इस टाइम पे गोवा में सीजन हाई है, तो मैं ज़ूम कर रहा हूँ, सीजन फैक्टर आपका हाई सीजन चल रहा है, जिसे बोलते हैं है ना ऑफ सीजन, ऑन सीजन बोल दो, हाई सीजन बोल दो, जब ऑफ होता है तो ऑफ सीजन में चीजें सस्ती मिलती है। तो सीजन अगर आपका हाई चल रहा है
तो भैया वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल कम नहीं चाहिए। इसका उल्टा कर देंगे, अगर सीजन लो चल रहा है राइट, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी हमें लो सीजन पर कम चाहिएगी, और हम यहां की जगह यहां पर राइट लगाएंगे। ठीक है जी, अगर बात समझ में आ गई होगी। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, पांचवा और छठा पॉइंट, ये बहुत मजेदार है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है ना राइट। तो भाई पांचवा पॉइंट ये कहता है, इस पे ये कुछ नहीं, इस पे कांटे लगाते हैं, सचिन कुमार फ्रॉम नेपाल, ठीक है। एक बच्चा आया है ना, जैसे आपको पता ही होगा, आपने पराग सर की वीडियो देखी भी होंगी, कि हम अभी 12th के एग्जाम के बाद आपका यहाँ पर क्या कराएंगे, नोएडा में सीए का कोर्स कराते हैं, तो यहीं पर आपको गेस्ट वगैरह, क्या कहते हैं, गेस्ट रूम वगैरह, हॉस्टल वगैरह मिलेंगे। तो उसमें से एक बच्चा है जो नेपाल से आ रहे थे, कितनी बड़ी बात है, सचिन कुमार है जो नेपाल से आ रहे हैं राइट, वो यहाँ पे आके पढ़ेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फुल होने वाले हैं फाउंडेशन के, तो जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, वो पराग सर से बात कर कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीए फाउंडेशन के लिए राइट। तो पहला बैच फुल होने वाला है, सेकंड बैच में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए अगली जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो ये है कि दो चीजें हैं, एक तो है क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड, सिक्स पॉइंट है क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है ना राइट। ठीक है, मैं सिक्स और सेवन पॉइंट होगा, चलो पहले ये वाले पॉइंट बताता हूँ, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड दो है, बहुत ध्यान सुनना है बात। कम मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, कम मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ये ही एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, एग्जाम क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने की संभावना है बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और सबको बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगी बात। अब जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे लाइव पढ़ते हैं, आप तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो उसकी कोई हम फीस वगैरह चार्ज नहीं करते, लेकिन जो बच्चे लाइव पढ़ते हैं और फीस देते हैं, अब सुनना आप ध्यान से, तो आपको समझ में आएगी बात। मान लो आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है ना राइट, बिल्कुल आमने सामने, मैं गाना गा रहा हूँ, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना राइट। अब बताओ, अगर हम आमने सामने बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लाइव, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। अब तुम में से खतरनाक बच्चा बोल रहा है, सर सच कह रहा हूँ, ठीक है राइट, कि सर अभी मेरे पास ना फीस है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल मम्मी कसम खा रहा हूँ, कुछ महीनों के बाद मैं आपको दे दूंगा, प्लीज़ 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 सर मुझे ना प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे कुछ महीने की उधारी दे दीजिए प्लीज़। और बेचारा इतनी मासूमियत से बोल रहा है, ठीक है ना, हाथ जोड़ के खड़ा है, सर प्लीज़ मुझे कुछ महीने की उधारी दे दो, उधारी यानी मुझसे उधार मांग रहा है, उधार को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट, ठीक है, समझ ना बात। अब बेचारा मम्मी कसम खा रहा है, ठीक है, मम्मी कसम पे तो हम विश्वास कर लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, कि बंदा सच ही बोल रहा होगा, मम्मी कसम खाइए, तो मम्मी कसम खा के वो कह रहा है कि मुझे क्रेडिट सर उधार दे दो थोड़ा। अब मैंने उससे पता क्या बोला, मैंने उससे मेरी नज़र से पढ़ना है टॉपिक, मेरी नज़र से एज अ बिजनेस मैन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे, फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो मैंने उससे बोला चल ठीक है, तूने ऐसी बात कर दी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो मैंने सिमरन को अपनी जिंदगी जीने के लिए बोल दिया, और मैंने कहा मुझे भाई तू फीस दे देना अपने बोर्ड के एग्जाम के बाद, ठीक है। मान लो अभी जनवरी चल रहा है, मैंने जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने का उसे उधार दे दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी, जब बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाए तब दे दियो फीस। तो मैंने उसे क्रेडिट अलाउड किया, क्या किया, क्रेडिट अलाउड, उधार दिया, ठीक है, उधार है ना, उधार दे दिया मैंने उसे, क्रेडिट अलाउड कर दो तीन महीने का, चार महीने का। जब मैंने उसे तीन महीने का उधार दिया या चार महीने का उधार दिया कि बोर्ड के एग्जाम के बाद, होली के बाद, ठीक है ना राइट, गब्बर की तरह, होली कब है होली, ठीक है, जब मुझे फीस देना, तो तीन महीने बाद तुम मुझे फीस दोगे, इस वक्त मेरे पास पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं पैसे कहां से लाऊंगा, अपनी जेब से लाऊंगा ना, तो तीन महीने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि तीन महीने में पैसे देना, तो तुम मुझे दोगे भी तीन महीने के बाद, मार्च के बाद, लेकिन अब मुझे जनवरी पैसे देते, फरवरी पैसे देते, पैसे कहां से लाऊंगा, अपनी खुद की जेब से देने पड़ेंगे ना पैसे, इस टाइम पे जब मैंने तुम्हें क्रेडिट अलाउड किया है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल हाई चाहिएगी, लो नहीं चाहिएगी, क्योंकि तुम मुझे पैसे दोगे चार तीन चार महीने के बाद, तो तीन चार महीने तक मुझे अपनी जेब से ही वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, समझ रहे बात राइट।
समझिए ये बात लिखी है, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें डेटर यानी उधारी ज्यादा दे दी तो मैंने तुम्हें डेटर बना लिया है, बहुत लंबे समय तक के लिए मैंने तुम्हें डेटर दिखा रखा है, ठीक है। तो भैया लॉन्ग डेटर्स, जितने ज्यादा डेटर्स लॉन्ग होंगे उतनी वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल सर, घुटने तक बात पहुंच चुकी है, मजा जाएगा ये बात। तो इसका रिवर्स करते हैं, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड। अब ये तुम्हारे, अब तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारी नजरों से बात करते हैं, ठीक है। तुम एक बिजनेसमैन हो, बहुत ही होशियार और शातिर, ठीक है ना। क्रेडिट अवेल्ड की बात करते हैं, तुम मेरे पास आए, ठीक है, राइट, गान तुमने गाना गाया, तुम पास आए यू मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, कुछ कुछ होता है। अगली बात, तो भैया तुम मेरे पास आए और मुस्कुराए, तो तुमने मुझे ये बोला सर मुझे उधार दे दीजिए 6 महीने का, मैं आपको पैसे दूंगा, फीस दूंगा आपकी 6 महीने के बाद। तुम मुझे क्या कहते हैं, मान लो ये पेन बेच रहे हो, पेन, ठीक है, नीले पीले हरे काले, ये मुझे पेन बेचा करते हो तुम, ठीक है, यानी मैं तुमसे अपना स्टॉक लेता हूँ। तो तुमने मुझे कहा सर पैसे मैं आपको दूंगा, ठीक है, 6 महीने के बाद, मैंने तुम्हें क्रेडिट अलाउड कर दिया। अब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने तुम्हें 6 महीने का क्रेडिट दे दिया, मतलब 3 महीने का 6 महीने का उधार दे दिया। अगर मैंने तुम्हें 6 महीने का उधार दिया तो मेरी तरफ से तो होगा क्रेडिट अलाउड, मैंने तुम्हें क्रेडिट उधार अलाउड किया 6 महीने, तो 6 महीने अगर मैंने उधार अलाउड किया है तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तुम्हें, मैंने अगर तुम्हें क्रेडिट उधार दिया है तो तुम्हें उधार मिला है एक तरीके से, तो तुम्हारा क्रेडिट अवेल्ड, उधार दिया और यहां पर लिखूंगा उधार मिला। अगर मैं तुम्हें, अब तुम्हारी नजरों से बात करेंगे, अब तुम्हें उधार मिल गया 6 महीने, अब तुम मुझे पैसे कब दोगे बताओ, तुम मुझे पैसे दोगे 6 महीने के बाद, फिर से बोल रहा हूं, तुम मुझे पैसे कब दोगे, तुम मुझे पैसे दोगे 6 महीने के बाद। अब ये तुम्हारी नजरों से क्वेश्चन है, अब तुम्हें अगर 6 महीने के बाद पैसे चाहिए या पैसे अगर तुम मुझे 6 महीने के बाद दोगे, अब तुम्हें फरवरी में पैसों की जरूरत है, ठीक है, राइट, और तुम्हें मुझे देने नहीं है अभी, यानी तुम्हें जो मुझे पैसे देने ही नहीं है वो पैसे तुमने भी 6 महीने तक अपने पास बचा रखे हैं, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी, तुम्हें वर्किंग कैपिटल हाई नहीं, वर्किंग कैपिटल लो चाहिएगी, क्योंकि जो तुम्हें मुझे पैसे देने थे, मतलब तुम्हें फीस के देने मुझे 15,000 रुपए, अब तुम्हें जो फीस के मुझे 15,000 रुपए देने थे, मैंने तुमसे बोला देना 6 महीने के बाद, तो तुम्हारे पास वो 15,000 रुपए भी बचे नहीं बचे, तो उस 15,000 रुपए का इस्तेमाल तुम अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए लगाओगे, तो वो 15,000 रुपए जो मुझे मिलने चाहिए थे वो तुमने मुझे ना देकर अपने काम पे लगा लिए, तो उस 15,000 रुपए से तुम्हारी वर्किंग कैपिटल है ना ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास पैसे पड़े तो उस टाइम तक तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सो मेरे बात रिवर्स, राइट, यानी उधार मिला तो मुझे पैसा देर से चुकाना है, अब जितना पैसा मैं देर से किसी बैंक को चुकाऊंगा, बैंक की बात समझ में आती है, तो मैं पैसा जब बैंक को देर से चुकाऊंगा तो जितनी देर तक मैं बैंक को पैसा चुकाऊंगा उतनी देर तक मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि बैंक का पैसा मेरी जेब में रखा है। जब मैंने उधार दिया तुम्हें तो तुमने मुझे कहा सर फीस देंगे हम 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के बाद मैं तुमसे पैसा मांगने के लिए कॉल करूंगा, तो उन 3 महीने मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, फाइनेंशियल क्रंच रहेगा, तो 3 महीने मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल मुझे उस 3 महीने के लिए हाई चाहिए, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपके घुटनों तक समाई होगी, पहुंची होगी, इसी उम्मीद के साथ कि ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, राइट। अब करते हैं 7th पॉइंट की बात। 7th पॉइंट कहता है प्रोडक्शन साइकिल, किसकी बात करता है, प्रोडक्शन साइकिल। अब देखो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि रॉ मेटेरियल के आने से है ना, रॉ मेटेरियल के प्राप्त होने से फिनिश गुड के बनने तक जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, इसी टाइम को हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है ना, राइट। यानी रॉ मेटेरियल जब आएगा और उससे मैं क्या करूंगा, उससे फिनिश गुड बनाऊंगा, ठीक है, इस टाइम को प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। अब मान लो ये टाइम पीरियड मेरा बहुत लॉन्ग है, यानी मुझे बहुत समय लगता है गुड्स बनाने में, रॉ मेटेरियल आने के फिनिश गुड्स बनाने में, जैसे कार, अगर आप कार बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, तो कार के लिए रॉ मेटेरियल क्या होगा, कार के लिए रॉ मेटेरियल उसके वायर्स हो गए, उसकी फिटिंग्स हो गई, सीट, कार, इतनी दुनिया भर की चीजें उसमें लगती है, वो सब रॉ मेटेरियल हो गया ना। तो जब कार आए, मेरे रॉ मेटेरियल आएगा उसमें बनेगा, तो कई दिन लगते हैं कार बनने में, तो उसमें मेरा टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है कि नहीं है। तो अगर आपका रॉ मेटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स का टाइम पीरियड बहुत लंबा है
तो उस लंबे समय के लिए एक ही कार थोड़ी बनाओगे, बहुत सारी कार बनाओगे। तो भैया वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, लो नहीं चाहिएगी। आई होप बात आपके घुटने तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है कि नहीं बात? हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब ठीक है, 7 पॉइंट हो चुके हैं, राइट, थोड़े से और बचे हैं। देखो ये बातें लिखी है, अगर आप पढ़ोगे तो यही बातें आपको समझ में आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल है टाइम। टाइम इज द रियली ओनली कैपिटल दैट ह्यूमन बीइंग हैज, ओनली थिंग ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। थॉमस एडिसन ने यह बात बोली थी कि वक्त ही है जो आप सबसे बड़ी कैपिटल पूंजी लगाते हो। अगर वक्त गुजर गया तो समझ लो सब कुछ हाथ से निकल गया। और वक्त होता भी क्या है, बिल्कुल रेत की तरह होता है, फिसलता जाता है, ठीक है ना। इतने साल आपने निकाल दिया, आपको कुछ पता नहीं लगा कि आपकी उम्र धीरे 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 बढ़ती जा रही है और आपके सपने जो आपने देखे हैं, राइट, खुद देखे हैं, अपने घर वालों के साथ मिलकर देखे हैं, वो समय धीरे धीरे करीब आता जा रहा है जब मुझे उनको अचीव करने का टारगेट पूरा करना है। और वो पहला टारगेट कब है, अभी कुछ ही महीने में जब मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं। ये भी हमने एक सपना देखा था जो हमें पूरा करना है, खुद से नजरें मिलानी है, दुनिया वालों की नजरों से नजरें मिलाकर उन्हें जवाब देनी है कि तुमने जो सोचा था ना वैसा नहीं हुआ, और जो मैंने सोचा था आज वही हुआ है, राइट। तो अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचाइयों पर रखिए ताकि वो जब जिए, चाहे वो अपने आपकी सोसाइटी में निकले, अपनी गली में निकले, अपने ऑफिस में निकले, तो सर उठा के निकले, ठीक है। और सर ऊंचा या नीचा आपके रिजल्ट से, आपका रिजल्ट अगर नीचा आया तो उनकी नजरें और गर्दन नीचे होंगी, और अगर आपका रिजल्ट ऊंचा आया तो उनकी नजरें, उनका सर भी आसमान की ऊंचाइयों तक उठा रहेगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे का रिजल्ट आया, राइट, मैं पार्टी दूंगा, मैं मिठाई खिलाऊंगा। तो अपने घर वालों का सर ऊंचा रखिए, ठीक है ना। उसी उम्मीद के साथ अगला पॉइंट मैं बढ़ाता हूँ। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल तक हो गया, 3 पॉइंट बचे हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए थे हमारे, 7। अब आता है 8th पॉइंट, राइट। 8th पॉइंट कहता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब देखो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, ये बात क्या है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि, तो मैं इसे बोलता हूँ मजेदार भाषा में, कि आपके पास बहुत सारे क्या है, वसूली भाई है, वसूली भाई, ठीक है ना, वसूली भाई, ठीक है। आपके पास तगड़े तगड़े बाउंसर टाइप के वसूली भाई, आप उन्हें फोन करोगे, पैसा नहीं आया मेरा अभी तक, जाओ पैसा लेके आओ। वसूली भाई जाएंगे, साहब का पैसा नहीं आया, उधार का समय खत्म हो चुका है, जैसे वो वीडियो दिखाई थी मैंने तुम्हें बैंक वाली, ठीक है, आमिर खान वाली, वही वाली बात, धूम 3, पैसा नहीं आया, पैसा निकालो। और लोग डर के मारे, अरे साहब आपको आने की क्या जरूरत थी, साहब आपको आने की क्या जरूरत थी, हमें बता दिया होता, कांप रहे हो तुम धड़कन उनके सामने, वसूली भाई के सामने, हम घर पे आके दे जाएंगे, अभी आके दे जाएंगे। तो इसका मतलब तुम्हारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया, एक कॉल में एक बार फोन लगाया, ठीक है, पैसा सीधा घर पे पहुंच जाएगा। इसे पराक्षर की भाषा में पता क्या बोलेंगे, अकाउंट्स की भाषा में, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो कि आपका डेटा टर्नओवर रेशियो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि कुछ ही दिन में पैसा जाता है, एक बार कॉल करो पैसे हाजिर। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, यानी डेटा टर्नओवर रेशियो आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, समझ ले बात, राइट, सेल करने, सेल भी बढ़िया हो रही है आपकी, सेल करके पैसा भी सब कुछ उधारी में नहीं कैश में चल रहा है, तो भैया वर्किंग कैपिटल आपको हाई नहीं चाहिए, लो चाहिए, ठीक है, राइट। यहाँ हाई पिछले वाले से ही, आप तो साथ साथ लिखते जा रहे हैं साइड वाले पेज पर, और यहाँ लो, तो वर्किंग कैपिटल आपको लो चाहिए, ठीक है। अब आता है पॉइंट नंबर 9, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो ये क्या कहता है, ये भी मजेदार बात है। कुछ रॉ मटेरियल जो आपके बिजनेस में बनाने के काम आता है सामान, कुछ तो आपके पास घर के पास ही होता है, कुछ बहुत दूर होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, भैया मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो कई जगह मिल जाएगा आपको, बहुत बड़ी चेन है, ठीक है ना, अग्रवाल स्वीट्स, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मतलब, है ना, कभी दिल पिल्लो सर ये सारी चेन आपकी है क्या, ठीक है, मतलब ज़्यादातर नाम से अग्रवाल स्वीट्स के नाम से बहुत सारी आपको क्या मिलेंगी, मिठाई की दुकान मिल जाएगी। अब मेरी जो अग्रवाल स्वीट्स है ना, उस पर मिठाई की स्पेशलिटी है, मैं बनाता हूँ, ठीक है, कोकोनट
स्वीट कोकोनट की मिठाई बनाता हूँ, नारियल की मिठाई बनाता हूँ बहुत बढ़िया, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है मेरी मिठाई, वर्ल्ड फेमस। क्या बात करती सर, वर्ल्ड फेमस, हाँ है ना, पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है राइट। क्यों फेमस है? क्योंकि जब मैं इस मिठाई को बनाता हूँ ना, तो मेरे जो कोकोनट है वो मेरे कोकोनट साउथ से आते हैं, साउथ इंडिया से, ठीक है, क्योंकि कोकोनट यहाँ मिलते हैं। नारियल बिल्कुल, मैं ओरिजिनल बहुत ही बढ़िया वाला नारियल मंगाता हूँ साउथ इंडिया से, ठीक है राइट, ट्रेन में ट्रक से लोड कर कर, है ना, चाहे कितने दिन लगे आने में, साउथ से मंगाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश नारियल आते हैं। जैसे नारियल पानी तो आपके घर के आसपास मिल जाता है ना, तो नारियल पानी कहाँ उग रहा है, ठीक है, नारियल पानी हम ये खेत में थोड़ी उगा रहे हैं अपने, है कि नहीं बात, साउथ में होती खेती। तो भैया ऐसे मैं भी अपना जो रॉ मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं कोकोनट, वो कहाँ से मंगाते हैं, साउथ इंडिया से। अब साउथ इंडिया से आने में मैं बुक करता हूँ, यहाँ तक आने में भैया फॉर एग्जांपल 15 डेज लगते हैं, ठीक है, नोएडा तक, साउथ से नोएडा तक आने में 15 दिन लग जाते हैं मेरी मिठाई की दुकान तक आने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल मेरा ईजिली अवेलेबल नहीं होता, मुझे बहुत दूर से मंगाना पड़ता है, यानी रॉ मटेरियल, समझ गए ना बात, मैं समझ चुका हूँ कुछ नहीं, क्या आवाज़ आ रही है सर, हम समझ चुके हैं सर, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी का टाइम, रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी का टाइम मेरा हाई है। अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपकी टाइम हाई टाइम है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, लो नहीं चाहिए। मैं एक और मिठाई मंगाता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है, एक और मिठाई बनाता हूँ, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, है कि नहीं बात राइट। तो भैया मैं अपनी ही दुकान पे ही बूंदी बना लेता हूँ, ठीक है सर, मिठाई की बात मत करो सर, भूख लगाई सर, गाजर का हलवा बनाता हूँ, गाजर का हलवा, है कि नहीं बात। तो भैया गाजर का हलवा बनाता हूँ मैं राइट, गाजर मेरे घर के पास मिलती है सब्जी के दुकान पर, सब्जी मंडी में आया गाजर किसवाई, और वहाँ पे माँ डाल के बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट गरम गरम गाजर का हलवा बना दिया, है ना, मुँह में पानी आ गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले पानी सटक लो मुँह का, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो रॉ मटेरियल गाजर मेरी बिल्कुल घर के पास ही मिलती है, तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का टाइम बहुत कम है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी, ज़्यादा नहीं चाहिएगी। अगर रॉ मटेरियल क्या है, बहुत ईजी और विद इन टाइम और जल्दी मुझे मिलता है, तो ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 9 समझ में आएगा कैसे करना है। अब और आखिरी आता है हमारा ग्रोथ, पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होता है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यानी कि अगर आपके बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा है, यानी आपको लगता है कि हाँ भाई आपका बिजनेस ग्रो करेगा आगे, ठीक है, और मैंने कहा अग्रवाल स्वीट्स तो है ही राइट, आगे जाके 2 अग्रवाल स्वीट्स होंगे, फिर 3 अग्रवाल स्वीट्स होंगे, फिर 1 अग्रवाल स्वीट जयपुर में भी होगा, जयपुर के बच्चे बुलाते हैं, 1 अग्रवाल स्वीट एमपी में भी होगा, एमपी के बच्चे भी बुलाते हैं, 1 अग्रवाल स्वीट साउथ में भी होगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मेरी ज़्यादा है, इतनी फेमस है, तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी नई दुकान खोलने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों का सामान, और वर्किंग कैपिटल लो नहीं चाहिएगी। आई होप ठीक है ना, आपको 10 के 10 पॉइंट समझ में आए होंगे, यही बातें आपके सामने लिखी हैं, ठीक है ना, इन्हें इन्हें पढ़ते जाइएगा, ग्रोथ लिखा ना, वर्किंग कैपिटल वुड बी हाई, है ना, बढ़िया रंग बिरंगी बातों में, ठीक है ना, आपको बात समझ में आई जाएंगी। अब ठीक है, बात करते हैं सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई, 10 के 10 पॉइंट का कोड क्या होगा। 10 के 10 पॉइंट का कोड समझाने से पहले तुम मुझे बताओगे कि जब मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में फिक्स कैपिटल बताया था, तो फिक्स कैपिटल का कोड क्या था? सर फिक्स कैपिटल का कोड था जो हमने गाना सुना था, ठीक है, सुना था ना, सुना था कोई तो गाना सुना था आपने, जो केजरीवाल जी ने गाया था, ठीक है, संग हूँ तेरे, याद आ रहा है, अब इतने इम्तिहा भी ना ले मेरे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी गाने के तरीके से ही यहाँ पर भी जो कोड है, ठीक है, यहाँ पर भी कोड बिल्कुल वैसा सा ही है, लेकिन वहाँ था संग डीटीसी है तेरे, संग डीटीसी तेरे, यहाँ है संग, यहाँ संग डीटीसी नहीं है, यहाँ संग साइकिल है, देख रहे हो साइड वाले, ये जब साइकिल चला रहे हैं एक साथ बच्चे, ठीक है,
तो इसका कोड बनेगा हमारा, यहां लिखता हूं मैं सन साइकिल, साइकिल ऐसे लिखेंगे चलाओ, सन साइकिल चलाओ, ठीक है। अब देखो सन के एस से क्या बनेगा, एस से बनेगा पॉइंट नंबर टू, स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। ए से क्या बनेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये वाला पॉइंट नंबर आई, स्केल ऑफ ऑपरेशन पॉइंट नंबर बी, चलो ऐसे लिख देते हैं ना, ठीक है राइट। अगला एस से एक और बन जाएगा पॉइंट नंबर डी, डी है हमारा सीजनल फैक्टर। एन से देखो क्या बनेगा, एन से बनेगा पॉइंट नंबर ए, नेचर ऑफ बिजनेस। जी से बनेगा हमारा पॉइंट नंबर जे, जे कहाँ है भैया, जे कहाँ है, जे है भैया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। साइकिल से बनेंगे दो साइकिल, ठीक है ना, कौन कौन से साइकिल, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर सी मतलब बिजनेस साइकिल, और पॉइंट नंबर ई मतलब प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है जी, बात समझ आ गई होगी आपको। अब आता चलाओ, ठीक है, संग साइकिल चलाओ, दो साइकिल चलाएंगे हम, संग दो साइकिल चलाओ, ऐसे याद कर लो चाहे। चलाओ के देखो, चलाओ में सी से बनेगा, सी से दो पॉइंट बनेंगे सी से, ठीक है। एक तो पॉइंट सी से बनेगा पॉइंट नंबर एफ, और एक सी से बनेगा पॉइंट नंबर जी, ठीक है ना। एफ से बनेगा सी से क्रेडिट अलाउड, जी से बनेगा क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड, जो बिल्कुल समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। और चलाओ के ओ से बनेगा हमारा पॉइंट नंबर एच, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। वसूली भाई आपके पास बहुत सारे हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, तो बात समझ में आ गई हो आपको, ठीक है ना। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या बात पढ़ी, शॉर्ट में हमने ये बात पढ़ी, अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो गाना गाएंगे हम, संदीटी सी तेरे, और अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो गाना क्या गाएंगे, संग साइकिल चलाओ राइट। तो फिक्स कैपिटल संग हूं तेरे, ये वाला गाना गाएंगे, और संग साइकिल चलाओ, तो दोनों से आपको फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल कोड है ना, आई होप पता लग गया होगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो वर्किंग कैपिटल के बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं घर के लिए, जो अपनी बुक के हैं, केस स्टडी, तो आपको केस सॉल्व करने हैं, एक तो 53, एक 54, 55, 57 और 64, ठीक है। 55 बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 55, सो 57, तो चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको, चल नीचे रह गया, थोड़ा ऊपर कर दो, समझ गया, तो 57 पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर ले हैं, ये आपका क्राइटेरिया हो गया है। अब आते हैं 57 पे, एक बार देख लेते हैं कि सर 57 क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है, क्या पहेली लेके आया है 57 क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 चैप्टर नंबर फाइनेंशियल मार्केट क्वेश्चन बैंक के आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 57, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। आइए भाइयों और बहनों, विद आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी उन प्यारे प्यारे बच्चों के पास जिनके पास बुक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। 57 तो 57 तो यहीं करा रहा हूँ मैं, इतनी केस स्टडी है, यानी इस वाले चैप्टर में आपके पास 71 केस स्टडीज है, तो 71 तो इस बुक में, इसमें ही है केस स्टडी मेरी बुक में, तो उसके अलावा सैंपल पर अदर चीज़ें भी हैं। तो 57 जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लें और नोट करें, ध्यान से पढ़ें,
कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन ये एक तीर से दो शिकार है। एक तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइनेंशियल डिसीजन बताओ, है ना, चांद तारे लगाते हैं इस क्वेश्चन पे, चांद सितारे फूल और खुशबू, ठीक है। एक तो फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कौन सा है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग या डिविडेंड। और फिर आइडेंटिफाई थ्री फैक्टर मेंशन इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ के तीन बातें बतानी है जो वर्किंग कैपिटल पे असर डालती हैं, यानी कि संग साइकिल चलाओ से तीन चीजें ढूंढनी है जो आपके इस क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग कैपिटल पर असर डालेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर 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 पढ़ना है, एग्जाम में भी पढ़ना है इसे, जब 5-6 दिन की छुट्टी है ना बोर्ड के एग्जाम में तब भी इसको पढ़ना है, राइट। तो ध्यान से पढ़ेंगे और लिख कर सॉल्व करेंगे, देखो क्योंकि एग्जाम में लिख कर ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा सकते हैं आप, उसी से आपको नंबर मिलेंगे, राइट। तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ समाप्त होता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक को हम कवर करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है हैरी पॉटर की तरह जादू, है ना। मैं इस टॉपिक को नाम देता हूँ जादू, जादू, ठीक है। तो बिल्कुल जादू सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगला टॉपिक ही जादूगर की तरह है, राइट। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो एक दो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ बच्चों की अरदास थी सर, कुछ पहेलियाँ बता दीजिए, पहेलियाँ है कि नहीं बात, ठीक है। कुछ सवालों का जवाब देना है, वही पुराना गाना, मेरे सवालों का जवाब दो दो ना, ठीक है। पहली ध्यान से, है ना, कमेंट में आप इसको आंसर करेंगे, लिखते जाए साथ साथ। नेम द प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम एंड बजट, ठीक है ना, टू डील विद फाइनेंशियल एक्टिविटी। एक नंबर में है पहली दो, ठीक है। इसका आंसर देना आपको, टू अवॉइड शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, टू अवॉइड शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा व्हाट इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। पहली तीसरी, ठीक है, एप्पल, इसी को तो जानते हैं, एप्पल इनकॉर्पोरेशन प्लान, और ये हो भी रहा है, टू ओपन ब्रांच इन इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन इट इज, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन इट इज, ठीक है। तीसरी पहेली, चौथी पहेली, जॉली लिमिटेड एंड, ये तो आसान सा बता दोगे तुम, 100 करोड़, कितने करोड़, 100 करोड़, लेकिन मैं तो किसमें आता है 100 करोड़, ठीक है, एंड 100 करोड़ इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, ठीक है, विच डिसीजन इट इज, कौन सा डिसीजन है, ठीक है। पहेली नंबर 5, राइट, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज की टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस,
ठीक है राइट, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2000, ये वाला पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2008 में पूछा गया है, ये भी फिर 2008 में पूछा गया है, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2009 में पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2009 में पूछा गया है, और ये पांचवा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2010 में पूछा गया। पुरानी पुरानी यादें हैं तुम्हारी, ठीक है ना, बचपन में रहे होंगे, तुम्हें याद नहीं आ रहा। तो ये पांच क्वेश्चन तो तुम्हें आंसर करने ही करने हैं, ठीक है ना। एक सिक्स्थ क्वेश्चन और बता देता हूँ मजेदार, स्टेट, जो बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2012 में पूछा जा चुका है, सब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको यही सोच समझ के बताने हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, राइट। छह क्वेश्चन में आपको, चलो एक और क्वेश्चन, सर क्या कर रहे हो सर, चलो लास्ट तक का आखिरी क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देता हूं आपको, जो आप पहले पढ़ चुके सब उसके ऊपर बेस्ड है। विच कॉम्पोनेंट, ठीक है जी, विच कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, विच कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन फाइनेंशियल रिस्क, डिटरमाइन फाइनेंशियल रिस्क। ये प्यारे प्यारे सात क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका 2009 में पूछा जा चुका है ना, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, ठीक है। तो इन सवालों का जवाब देना है आपको बहुत अच्छे से, राइट, कमेंट करेंगे आप, ठीक है, फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, राइट। तो चलिए, आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल का टॉपिक समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो जरूर आप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, राइट, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस सोल्जर की तरह अपनी नज़र 100 में से 100 की तरफ लगाए रखिए और हिट कीजिए कि 100 में से 100 लाने हैं, राइट। तब तक अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।